अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिमानी प्रेजेंट द शुएब अख्तर शो। आज के शो में बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट आने वाले हैं, क्योंकि एक तो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर है और दूसरा टीवी का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। मिमिक्री नहीं करता, आर्ट क्रिएट करता है, लाइंस क्रिएट करते हैं, और दोनों ही कमाल के टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन इससे पहले मैं उनको बुलाऊं, हिमानी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे शो को ब्रांड किया, और हिमानी की ब्रांड न्यू रेंज जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो आपके दोस्त तक पे पहुंचने वाली हैं। डू नॉट फॉरगेट टू बाय देम, इट्स ऑल ऑर्गेनिक। बट बिफोर आई गो टू माय गेस्ट, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल एवर हैं और मुझे इनके साथ हमेशा बात करके बहुत मजा आता है। लेट्स वेलकम देम, नादर अली एंड मुस्तफा चौधरी। यस माय मैन, हाय, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं कह रहा हूं कि आज अपनी पैदाइश पे फखर हो रहा है मुझे यार, ये भी होना था। मैं कह रहा हूँ कि शुएब अख्तर ने इतनी अच्छे अच्छे, लेकिन वो कहते हैं ना, बड़ा आदमी ही बड़ी बात कहता है। ये आपका बड़ापन है, नहीं। और जो रिकॉर्ड हमने 10 साल में बनाया वो एक हफ्ते में तोड़ भी चुके हैं ये फास्टेस्ट यूट्यूबर का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग नादर, यू डन अमेजिंग वर्क, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने स्क्रैच फ्रॉम नथिंग, और लोगों को पता चला कि तुम कितने मल्टी टैलेंटेड हो, और तुम्हारी वीडियो बहुत वायरल होती है, हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि आप आइए, जरूर तशरीफ लाइए, आपका बड़ापन आप आए। मुस्तफा चौधरी, आप टीवी की दुनिया के बादशाह, कॉमेडी के बादशाह, ट्रेंड के बादशाह, आप लाइनें ऐसी निकालते हैं, बालों के बादशाह, बालों के बादशाह, ना ही नहीं मिल रहा इनको, आप कटिंग करा ले। आप जब बात करते हो, मैं सारे काम कर रहा हूं ताकि मेरे बाल खुद ही कट जाए, कोई काट ही दे पकड़ के। आप जब बात करते हो तो टैग लाइन्स बन जाती हैं, टैग लाइन्स बनती हैं तो पार्टी हिल जाती हैं, नेशनल लेवल पे आप दुनिया को हिला देते हैं। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लो जी, अब आपसे ये पूछते हैं, पीफे पकाओ का आइडिया कहाँ से आया भाई? पी फॉर पकाओ तो बेसिकली प्रैंक्स 1946 से ही चले आ चल रहे, सच्ची बात है। एलन एल्बर्ट फंट को ये गोरा था जिसने ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराया, कॉल प्रैंक्स के जरिए रेडियो पे चलता था, फिर ये वहाँ से चलता चलता इंडिया में आया छुपा रुस्तम, फिर वहाँ से चलता चलता कैसा, और ये फिर इस तरीके से ये आया। तो मैं पायनियर नहीं हूँ लेकिन ट्रेंड सेटर हूँ। जब ये पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा था 2010 में, तब मैं कर रहा था, तो एक अच्छा है, स्लैपस्टिक कॉमेडी है। मार पड़ी कभी? मार बस जेन्युइन वाली। ओहो, अच्छा, मेरी वालदा बड़ी, एक दफा मैं शर्ट वर्ट फटी हुई है और स्क्रैचेस के निशान, और वो बोलिए बेटा कुछ और कर ले, ये तो पिट रहा है तू। मैंने कहा नहीं नहीं, इसमें पैसा भी है, सफर करो। तो लेकिन फिर लोगों ने जो प्यार दिया उसकी अगेंस्ट में, वो बड़ा अच्छा लगा शुएब भाई। लोगों ने इतना एक प्रैंकस्टर के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वो प्रैंकस्टर सेलिब्रिटी बन जाए। और आप अब बड़े सीरियस इंटरव्यूज भी करते हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि आप बहुत अच्छे इंटरव्यूज भी करते हैं, आप एक वायरल वीडियो सेंसेशन नहीं है बल्कि आप एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। शुएब भाई कोशिश करते हैं, इंसान के हाथ में तो कोशिश करना है। और मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, 2.5-3 साल हो गए शुएब भाई पॉडकास्ट खासतौर पर जब से कर रहा हूँ, तो इंटरव्यूज देना मैंने बंद ही कर दिया। ओके, जाता नहीं हूँ लेकिन, और मैंने ये भी कसम खाई थी अपने से बड़े सेलिब्रिटी को कभी इंटरव्यू नहीं दूंगा, लेकिन वो रीत आज टूटी है। और आज मैं खुशी से आया हूँ क्योंकि जब मुझे पता चला कि शुएब अख्तर होस्ट कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने बुलाया। और वेरी वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू सर। बहुत शुक्रिया मुस्तफा चौधरी। चौधरी साहब, ये क्या आपने 6-7 महीने पहले एक लाइन बोल के आपने पूरी पीटीआई को परेशान कर दिया? वो इस्तेलाह बन गई है। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, हमेशा आके ट्रबल के दायरे के अंदर आके फिट हो जाते हैं और अपनी थॉट रखते हैं। योर, अगर किसी को पता नहीं, मुस्तफा चौधरी बड़ा रूहानी, रूहानियत से बड़ा आशना है और बहुत ही नेक परवर और बहुत ही अच्छी सीरत वाला आदमी है और बहुत ही प्रेजगार है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, तो मेरी इसके साथ जो सिटिंग्स हुई हैं पिछले कई सालों से, ये एक बड़ा ही हम्बल, बड़ा ही विटी और ऑब्जर्व करने वाला आदमी है, और कभी भी किसी का इसका कोई एजेंडा नहीं होता कि ये आपको फीलिंग हर्ट करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो उसका विट है। और टैलेंटेड तो इतना ज़्यादा है कि जो आपने ये तमाशा किया 3-4 महीने पहले, इतना हिट हो गया कि पूरी जुबान, वो कहा क्या था, वो भी तो सुना क्या कहा था तुमने, क्या था जुमला, क्या था वो? इमरान साहब के, इमरान खान हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर,
उनके फॉलोवर्स को एक खास लफ्ज कहा जाता था यूथिया। अच्छा, उससे ऊपर इमरान डू ही बनता था। ये लफ्ज कहा है, कहां से? ये बस बैठे बैठे मैंने कहा यार ये कमांडो भी है और इमरान्डू से जो आप सोच रहे हैं वो भी है। तो ये दोनों को अगर हम ग्राइंड करें तो यही निकलेगा। पर पीटीआई वाले बड़े नाराज हैं आपसे। सर बहुत नाराज हैं क्योंकि ये इस्तलाह बन चुकी है और जो हाँ। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो इनके अक्सर प्रोटेस्ट होते तो ये आवाजें लगा रहे होते हैं। यार ये सब वैसे तुमने बहुत काम किया टीवी पे, बहुत काम किया। अच्छा शुएब भाई, ये टीवी में इतना आते हैं कि टीवी बंद करे तो तस्वीर छपी रह जाती है, छपी रह जाती है दिलों पे, दिलों पे, और स्प्रे करना पड़ता है। सो मुस्तफा, कब आपने डिस्कवर किया था कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं और मिमिक्री आप कर सकते हैं? बचपन से था शौक मिमिक्री करने का, या और सडन आपको लगा यार कि मैं मिमिक्री कर सकता हूँ? और ये जवाब देने के लिए आपको मेरा लहजा अख्तियार करना पड़ेगा। ये अच्छा किया भाई, वाह वाह। मैं जान देख तगड़ा नहीं है, तगड़ा आ जा, फेंटा मारो, फेंटा मार, फेंटा। मुझे ये समझ नहीं आता बात करते हैं खुजाते क्यों। मुझे यार पता नहीं, मजा आता है, है ना, ऐसे करते हुए मजा आता है। पता नहीं किसी की याद आ रही होती है, पता नहीं क्या ये किसी की याद आ रही होती है, कभी ये कभी पता नहीं। अभी एक जगह गए, उन्होंने मुझसे आपके बारे में सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि यार वो आप शोएब भाई की कॉपी करते हैं और इतना। मैंने कहा शोएब भाई के साथ इतने मसले हैं कि अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो फकीर होते। कुछ भी सही नहीं है यार, कसम से। अब नॉर्मल हो, 6 साल तक चल नहीं पाया, बिल्कुल। जब चला तो दौड़ सकता, दौड़ना शुरू किया तो कहते हैं ये फास्टर बॉलर नहीं बन सकता, फास्टर बॉलर बना तो फिर उन्होंने कहा कि स्टार नहीं बन सकता, तो मैंने कहा हटो परे, क्या नहीं बन सकता। आ जाओ, ये देखा, इसके लिए असिस्टेंट रख लूं मैं कोई यार। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप ब्लंट हो, ट्रबल में भी आते हो, और अच्छा लगता है ट्रबल में आना? मुझे तो अच्छा नहीं लगता यार, मुझे आपको मेरे बारे में एक लफ्ज लिख देना यार, मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तकलीफ होती है। आपको ये चीज हर्ट नहीं करती इसकी वजह? सर इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो 3 महीने से ज्यादा किसी चैनल में जॉब हो तो हैरत होती है कि यार इन्होंने रखा हुआ कैसे। व्हाट वाज योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश? कहता है यार मुस्तफा, कहता है यार ये मेरा सेलिब्रिटी क्रश है यार, वो खातून कौन है? काफी सारी हो सकती हैं, काफी सारी बता दे, मर्द भी हो सकते हैं। मुझे मतलब इंडियन एक्ट्रेसेस जो थी वो काफी अच्छी लगती थी। कौन? माधुरी अच्छी थी और बहुत खूबसूरत खातून है वो, कोई शक नहीं इन पे। ऐसे ही है देशियों में, पाकिस्तानियों में, इंटरनेशनली? देशियों में तकरीबन सारी खूबसूरत है सर। अच्छा, आपको तो पता है? मुझे तो पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे पता है, मैं सबको बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ। आप तो अपना क्रश बताए ना, मेगन फॉक्स। मुश्किल नाम ले लिया ये तो आपने, कहा वो बता दो जो इनको ये पता ही ना। गूगल कर लीजिएगा। ये है हॉलीवुड की होगी और ये बॉलीवुड में? मैं बड़ा फिल्मी हूँ मुस्तफा, पता है, बहुत फिल्मी हूँ मैं और मुझे बहुत सारी फिल्में देखता हूँ मैं। अभी मेरे ख्याल में 4 दफा फिल्म देख के आया हूँ DDLJ। फिर मेरी जो फेवरेट फिल्म है, मेरा दोस्त हसन बैठा उसको पता है, हम आपके यहाँ को फिर देख के आया मैं। तो मुझे जब जब ये फिल्में दोबारा देखने को मिलती है ना, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ, जब जब अगर कामयाबी या कोई तरक्की की राह या कोई ऐसी चीजें होना शुरू होती है मेरी जिंदगी में, तो सारा लेट 90s का दौर वापस आ जाता है, वो गाने वापस आ जाते हैं, वो फिल्में वापस आ जाती हैं, वो माहौल वापस आ जाता है, वही कमीने दोस्त वापस आ जाते हैं। बैठे अच्छा, ट्रबल तो आपने झेल ली, ठीक है जी, लेकिन नादर मुझे ये बताइए कि अब आप तो माशाल्लाह तकरीबन कुछ 6-7 करोड़ रुपया महीना बना रहे हैं, ये हमने पता कराया अपने 6-7 करोड़ अफगानी। पाकिस्तानी स्ट्रांग है भाई। अबे हाँ, ये तो अब ये भी हो गया भाई, ये भी लतीफा हमारा खत्म हो गया। लेकिन 6-7 करोड़ रुपए अफगानी पाकिस्तानी बन गए हैं, कोई 2.5 लाख रुपए। जी जी नहीं नहीं अफगानी अफगानी। मुझे ये बताइए क्योंकि ट्रिक है यूट्यूबर बनने के लिए, अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए? शिव भाई मैं आपको क्या बताऊँ, खैर आप तो एक सेलिब्रिटी से भी बाहर वाली चीज है। बात यह है मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। ओके, बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाते हैं यार, व्यूज नहीं आ रहे यार, मजा नहीं आ रहा है, ऑडियंस नहीं देख रही है। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक यूट्यूब की बात कर रहे हैं तो ढीट होके लगे रहे। अच्छा, लगे रहे फिर अपने कंटेंट पे काम करें। हाँ। दो चीजें, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं और आवाम क्या देखना चाह रही है, दो अलग चीजें ना। यस, आवाम की भूख अगर आपने पूरी कर दी
हो गए भाई आप बेहतरीन, बाजे फाड़। लेकिन आप सोएंगे और पैसा बनेगा, पैसा मिलेगा ना तो 6-7 करोड़ रुपए आपके ठीक है ना महीने के। शिव भाई क्यों कर रहे हैं यार, क्यों कर रहे हैं, मैंने एफबीआई को पीछे पड़वा रखा है, वैसे ही पीछे पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है। ऐसी कोई बात नहीं, नादर अली के साथ, नादर अली एक फकीर आदमी है, फकीर आदमी और ही इज मेकिंग अ लिविंग ऑन द यूट्यूब चैनल एंड मेड हिमसेल्फ अ ह्यूज नेम। और नहीं लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात, जोक्स अपार्ट, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन अगर आप करना चाहें, और आप 6-7 से भी ज्यादा आने के, सच बता सही है, लेकिन कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और हम भी काम करने आए हैं, इसलिए काम करने आए हैं, काम करने के लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा और कंटेंट करना पड़ेगा। विल बी राइट बैक, सी यू सून। अगर शाहिद अफरीदी ने आपको फोन कर लिया तो कहे मुस्तफाया मेरे लिए चीज लेके आ, क्या लेके आएगा शाहिद अफरीदी के लिए? लाला के लिए मैं लेकर आऊंगा, लाला के लिए वैसे तो परफेक्ट आदमी है, उनको सवार। नादर अली ने अपने बारे में सुनी यही कि 6-7 करोड़ रुपए कमा रहा, 6-7 करोड़ रुपए कमा रहा, ये रूमर नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जो अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो कौन सा क्रिकेटर याद आता है कि आप इस जैसे लगते हैं? यस, कासिम उमर। यार मैं तो नहीं, कासिम उमर कौन है? लेजेंड है हमारे। अच्छा, अरे लेजेंड है नादर, क्या हो गया? वो अगर क्रिकेटर की बात की जाए तो अब्दुल रज्जाक जैसा स्टांस था मेरा। अच्छा, क्रिकेट खेलने में मैं शक्ल की बात कर रहा हूँ, मैं शक्ल की बात, शक्ल पे इंतजाम अलग और स्टांस वाइज रज़ाक और बॉलिंग वाइज सईद अजमल स्पिनर। और मुझे ये बताइए कि आपका मोस्ट 3 फेवरेट क्रिकेटर्स कौन कौन से रहे हैं कि यार कौन कौन से रहे हैं कि आपके ये 3 मोस्ट फेमस क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है, मुझे निकाल के। ये आपको कैसे निकाल रहे यार, आप तो तीनों में शोएब अख्तर ही डाल दे आप। यूनिस वन, वाई बैटिंग, बैटिंग अच्छी, मुझे दुनिया से क्रिटिसाइज करती थी, टुक टुक मतलब है, वो मिसबा है नहीं, ये भी उसी कैटेगरी में कजन है, फर्स्ट कजन है टुक टुक का कि भाई मतलब है ये दोनों में मुकाबला होता था मिसबा और यूनिस भाई में कि कौन ज्यादा रोकेगा, समझ रहे बात को। तो लेकिन मेरे ख्याल में जावेद भाई भी बहुत रोकते थे और उन्होंने तो इस चीज को आज तक इंडोर्स करते हैं, हालांकि क्रिकेट तेज हो गई है। हाँ। ये क्या कहें, टुक टुक जब तक नहीं करोगे सिंगल समझ नहीं चल पाएगा। अच्छा तो दूसरे नंबर पे आ जाए तो बाबर। अच्छा जी, बाबर स्लो खेलते हैं ना? नहीं स्लो की नहीं, उसकी जो ड्राइव और बैटिंग। अच्छा बाबर। अच्छा तीसरे नंबर पे आप, वही आपने आपको मना कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आप उनको डाल रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, याद नहीं आ रहा, टाइम ले ले, टाइम ले ले, टाइम ले ले, अपना प्रोग्राम है, टाइम ले ले, शायद अफरीदी को डाल देते, शायद अफरीदी को डाल देते हैं। अगर मुस्तफा से पूछा जाए कि अगर यार आप वापस आ रहे हैं इंग्लैंड से, और पहले तो आपको जाने कौन देगा इंग्लैंड, यही तो मसला है। अच्छा इनको शक है कि मैं स्लिप हो जाऊंगा। अगर आप इंग्लैंड से वापस आए, मुस्तफा चौधरी को फोन किया गया कि मुस्तफा भाई आपने, भाई नहीं नहीं इसमें भाई नहीं, मुस्तफा चौधरी साहब हमारे लिए आपने ये गिफ्ट लाना है, तो इन लोगों के लिए आप क्या क्या गिफ्ट लाएंगे? मुराद अली शाह के लिए मैं अच्छे सन वो अपना ग्लासेस का फ्रेम जो होता है वो लेकर आऊँ। वो क्यों? वो क्योंकि वो काफी पुराना उन्होंने पहना हुआ, जब से स्टूडेंट है वही चल रहा है उनका, जब से स्टूडेंट तब पुराना चल रहा है। अगर आपको कोई लाना पड़े गिफ्ट मौलाना फजल रहमान साहब के लिए, उन्हीं के लहजे में बताइए क्या लाएंगे? उनके लिए जो मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा वो मेरे ख्याल में एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। क्या ऐसी चीज लाएंगे आप? मतलब बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अब तो चीजें आ गई हैं,
इतना ही चीजें नहीं, मतलब उनके लिए कोई अच्छी सी चीज लेकर आऊंगा, मैं उनके लिए अच्छा सा पटका लेकर आऊंगा। पटका लेके आएंगे अगर आपको शायद अफरीदी ने, ज़ारा का पटका, अच्छा ज़ारा का पटका, अगर शायद अफरीदी ने आपको फोन कर लिया तो कहे मुस्तफाया मेरे लिए चीज लेके आ, क्या लेके आएगा शायद अफरीदी के लिए? लाला के लिए मैं लेकर आऊंगा, लाला के लिए वैसे तो परफेक्ट आदमी है उनको, सवार नसवार वो तो यार खाते हैं, वो निकाल के दिखाई भी थी, आगे पीछे जो मशवरा देने वाले वो दूर हो जाए। अच्छा वो बात कर रहा है। जी 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 ये आपको समझ नहीं आया। अच्छा मतीरा कह रही है मुस्तफा चौधरी मेरे लिए कुछ लेके आओ, आप मतीरा के लिए क्या लाएंगे? मतीरा को लेके जाना चाहिए मैं तो कहता हूँ हॉलीडेज पे। नहीं मतीरा के लिए मैं लेकर आऊंगा क्योंकि वो बहुत अच्छी बंदी है वैसे, और बात सच्ची। मैं उसके लिए लेकर आऊंगा, उसको जैकेट पसंद है तो जैकेट ले आऊंगा। मतीरा उसने जो आखिरी दफा मुझे जैकेट का बताया, मैंने उसे एक गिफ्ट दिया था, क्या दुपट्टा। ओके मतीरा वैसे बहुत टैलेंटेड औरत हैं और बहुत ही जबरदस्त खातून भी, और बड़ा उसने अप्रिशिएट किया था कि ये दुपट्टा अच्छी चीज थी, जबरदस्त। सो हमें यू शुड नीड टू रिस्पेक्ट द फैक्ट कि शी इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एट द सेम टाइम, ये हमें ऐसा बिल्कुल सोचना चाहिए। आप चलें जी, अगर मुस्तफा चौधरी को जी आप बताएंगे, आप जब मतलब इंडिया गए हैं, आप काफी दफा जाते हैं, आपसे क्या क्या मंगाती है वहाँ की खवातीन पाकिस्तान से? क्योंकि आपकी तो बहुत दोस्तियां हैं। हाँ, मैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं इंडिया में, ये सच बात है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान का भी कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो खुद आ जाया कर बस, और शर्टें इतनी छोटी-छोटी पहना कर। कोई भी नहीं आ जाओ, ये वाली शर्टें छोटी-छोटी पहना कर। आपका अच्छा दोस्त कौन है, सलमान खान है या शाहरुख खान? मेरे दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। शाहरुख से मेरे काफी टाइम हो चुका है, मैं बड़ी पप्पी का शरफ शाहरुख के पास, शाहरुख से सलमान के भी, सलमान के पास भी है। हाँ, सलमान भाई बहुत, सलमान भाई बहुत पप्पियां करते हैं, शाहरुख भी बहुत पप्पियां करते हैं। शाहरुख मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही आला दर्जे के इंसान है, सलमान तो खैर बहुत ही नेक इंसान है ना, वो तो ऐसा खिदमत करता अपने माँ बाप की सलमान के, सलमान तो अपने माँ बाप के सामने ऐसे बैठा होता जैसे कोई कटा हुआ परिंदा नहीं पड़ा होता, गर्दन सी कटी हुई, ऐसे गुलामों की तरह अभी माँ बाप के साथ बैठता है, और इतनी ज़्यादा हेल्प करता है, इतनी ज़्यादा चैरिटी करते हैं, तो वो गिर नहीं सकता बंदा, क्योंकि इतना सबका खैरात करने वाला बंदा गिर, और जो माँ बाप का बादब होगा वो तो खैर दुआ है ना सलमान खान को, तो आप गिरा नहीं सकते। पठान मूवी लॉन्च हुई उनकी तो मुझे बहुत एंग्जाइटी थी कि यार ये फिल्म फ्लॉप नहीं होनी चाहिए किसी तरीके से, ऐसा नहीं कि नैरेटिव हार जाएगा कुछ ऐसा ऐसा नहीं, मुझे ये था कि शाहरुख 4 साल बाद यार आ रहे हैं और हमारा बचपन गुजरा उनके साथ, मैंने बड़ी बातें उनके साथ शेयर भी की हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग, दलेर, फेस करने वाले, प्रॉब्लम को फेस करने वाले, और पठान मूवी सुपरहिट होगी और शाहरुख खान इज बैक विद द बैंग, नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री को रिवाइव कर गए, अपने बॉलीवुड को रिवाइव करके, उसके नैरेटिव को रिवाइव करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सो इनमें से कभी सॉरी आपको शाहरुख खान ने बोला नहीं कि यार वो तो आपके मुल्क में एक लड़का है साहिर लोधी, वो मेरी इतनी कॉपी क्यों कर? यार मैंने मुझे वैसे में यकीन जाना, मैं बहुत ज्यादा पूछने की कोशिश कर रहा था, मैं एक दफा मेरे जहन में भी आया, पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया, तो मैंने उनसे वो कहना भी था, मेरे साथ तस्वीर खिंचाया, मैसेज दे साहिर लोधी को, साहिर लोधी ने सू किया उसे कि तुम मेरी करते हो। अच्छा साहिर लोधी के बारे में मैंने सुना वो पहले अमिताभ बच्चन थे, बाद में हुए गलत फहमी के वो फोड़े निकल चुके साहिर लोधी को। साहिर भी बहुत से, साहिर आजकल है कहाँ पे? इंतकाल अगर आपको पीएसएल किसी टीम में खेलने का मौका मिले मुस्तफा, तो किस टीम से खेले कराची किंग्स के अलावा? मैं खेलूंगा सर कोयटा से। क्यों कोयटा? क्योंकि वो मुझे शहर बहुत पसंद है, शहर बहुत पसंद, शहर बहुत पसंद, पसंद है, बहुत खूबसूरत शहर है, और वहाँ आप जाएं तो आपको ऐसा फील आता है कि ये जो है मतलब वो जो वैसे पाकिस्तान के शहर हैं जितने भी, एक खास फील है उनका, वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपको लगेगा ईरान है या भी बड़ी मजेदार है ना जी, बलोच कौम भी बड़ी मजेदार है ना, नो डाउट दलेर कौम है, अल्लाह अभी मैच हुआ है वैसे, हाँ जी ऐसा लग रहा था ब्रॉडकास्टिंग में टीवी पे मिट्टी में खेल, हाँ घास कहाँ है, घास या
यार बखैर वो जबरदस्त मैच हुआ है, मैच तो बड़ा बलोचिस्तान में घास लापता है सर, घास लापता है बलोचिस्तान यार, बड़ी सारी चीजें लापता है बलोचिस्तान से। इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम ज्यादा पॉलिटिकल शो करना नहीं चाहते। विल बी राइट बैक सून, स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Himani Present the Shoaib Akhtar Show only on Urdu Flex. और इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हमें सपोर्ट किया है हिमानी ने। हिमानी की वाइड रेंज ऑफ एशिया और जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपके दो स्टेप पे मौजूद है। मेड इन पाकिस्तान है और साथ साथ ये ऑर्गेनिक होता है और साथ साथ स्किन और हेल्थ केयर के लिए बहुत ही अच्छा है। एनीवेज, अच्छा जी, अब आपको ये बताना होगा कार्ड उठा के, नाम नहीं बता सकते, इशारा नहीं कर सकते, उसका नाम और फिजिकल एस्पेक्ट नहीं बता सकते, उठा के मुझे दिखाइए और छुपा के देखिए एक, और ऑडियंस को दिखा दें। ये है, इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये ग्रीस में इस्तेमाल होता है। मैं बता दूं, ग्रीस में इस्तेमाल होता है, डालने के काम आता है, ग्रीस भी है साथ है? ग्रीस भी होती है साथ, ग्रीस, हाँ नहीं, ग्रीस की फैमिली मुलायम होता है। और ये मतलब टाइट किया जाता है या डायरेक्ट जा रहा है? इसको डालने से मामला तेज हो जाते, मामला तेज हो जाते तेजी से कहीं, मेरे ख्याल में सांडे का तेल नहीं है ये। अच्छा, ये तुमने जो कहा था ना, तुम ये बदतमीजी करते रहते हो सांडे के तेल के बारे में। ये है फिर तुम वही, अच्छा तेज हो रहा है बंदा, तेज हो रहा है इससे बंदा, नहीं नहीं यार, ऑब्जेक्ट है, तेज हो रहा है, चीज तेज हो रही है यार, चीज तेज हो रही है। और क्या वो यूज करने के लिए, मतलब वो क्या उसको खाना, उसको खाने की चीज नहीं यार, उसको डालना पड़ता है। अच्छा, इतने मजा मजे से आप, हाँ ना यार, मजा भी तो आना चाहिए मुझे, मेरा दिमाग तो गंदी जगह जा रहा है भाई। यार आप सोचती ऐसे हो ना, आप तो सोचती है गंदा सोचते हो आप, अच्छा सोचो ना, क्या इस जगह, ये जो आप कह रहे हैं डालने के लिए, ये इसके लिए किसी खास जगह की जरूरत होती है जी? हाँ, सुराख की। अच्छा, मैं आप कहीं भी गलत हो तो बताइएगा, आप सुन रही है ऐसे ही, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है? क्या चाहिए, क्या इसको मतलब अगर ये आप पकड़े जाएं ये डालते हुए, क्योंकि बदनामी है अगर चोरी की है तो, ये शहद नहीं है, अगर ये शहद की बोतलें नहीं है। अच्छा ठीक है, ये है बोतल में ही आता है, अगर चोर छुपे डालोगे और बगैर पैसों के डालोगे तो फिर पकड़े जाओ। ये लिक्विड कोई चीज़ लिक्विड है? खुशबू है इसमें? नहीं, खुशबू नहीं है, अजीब सी बदबू है, बदबू है, अगर हाथ पे लगाओ ना ऐसे ऐसे होता है, चिपक चिपक सा है मामला। ऐसे चेक भी करते हैं हम उसको यूं करके, और ये ही होता है जिसमें चिपक हो वो अच्छी होती है। ऐसे ही ये बात करूं, ये गम तो नहीं है? नहीं। मुस्तफा क्या हो गया तुझे? यार खुदा की कसम, ये चीज गाड़ी में इस्तेमाल होती है, खत्म कर दिया। आयल, इंजन ऑयल कहते हैं। चलिए, वाह वाह वाह, आप दूसरा कार्ड उठाइए, जल्दी से उठाइए, एक कार्ड उठाइए, बताइए। ओए होए होए होए, ये हर लौंडा यूज कर रहा है, ये लौंडों की चीज है, ये चीज लौंडों की है, लौंडों की है। अच्छा, क्या ये कोई प्रोडक्ट है? नादर बताओ यार, ये यूज करने के लिए आपको एक दोस्त को दरवाजे पे बिठाना पड़ेगा कि कोई आ जाए तो बता, बता दे, बता दे। अच्छा, कुंडी खराब है यानी कि कुंडी से रिलेटेड, अब्बा भी तो आ जाते ना, खास क्या, अब्बा भी उसी टाइप पे आते। अच्छा, तो अब मतलब ये पहले वीसीआर में चलाई जाती थी ये चीज? क्या ये वो चीज है? देखें, ये और इस, ये पूरी दुनिया में जरूरत पड़ती है इसकी यार। अच्छा, दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। हाँ, अच्छा, कुश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कुश्ते की तो पूरी दुनिया में नहीं, पाकिस्तान में जरूरत पड़ती है। ये कुछ और है, खाने से रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं, देखें डिजिटली, ये दबाने से रिलेटेड है, ठीक है,
दबाने से मतलब दबाओगे तो होगा ना, दबाओगे तभी तो वो क्या दबाने से आवाज आती है, आवाज नहीं आती उसको डबल क्लिक करना पड़ता है तो फिर आवाज तो अपनी खुद यूज करने वाली चीज है, कोई आ जाएगा अभी ये फोन में होता है, ये फोन में होता है, फोन के अंदर होता है, यस लेकिन ये होता नहीं, लाना पड़ता है इसको, लाना पड़ता है। अच्छा और जब इसको फोन पे लाने के लिए वो डालने पड़ता है, क्या कहते हैं उसको, वो कौन सी होती है, VPN डालना पड़ता है इसके लिए, VPN बिल्कुल सही जवाब, मैं देख रहा हूँ ये बालों वाली चुड़ैल ने शायद पर्चियां देख ली है, नहीं 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 मैं तो ये पूछ रहा था कि इसकी भी जरूरत है, ये तो VPN निकला है, VPN यस वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, इससे भी आगे जाने बहुत यूज किए, नहीं नहीं बहुत इंटेलिजेंट यूज किया। अच्छा जी लास्ट, जी लास्ट बताइए, अगर ये चीज आपके पास हो तो दुनिया की बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। नादिर क्या ये वो ये चीज़, अच्छी चीज लग रही है मुझे कि अगर आप नहा के इसे छत पे चले जाएं, हवा लगेगी बड़ी जबरदस्त तरीके से, फिटकरी तो नहीं है क्या, नहीं है फिटकरी फिटकरी नहीं है यार। मेरी बात सुने, देखें ये आसानी से आप खोल लो, ठीक है आसानी से बांध लो, सही पहनने से रिलेटेड कोई चीज़, पहनने से रिलेटेड है, और ये बहुत आसान एक्सेस है, मतलब आप खोल लो बस कहीं भी, ठीक है बस मौका चाहिए, व्हाइट कलर की है, व्हाइट कलर की है कि नाड़ा तो नहीं है, नहीं कोई भी कलर हो सकता है, अच्छा कलर हो सकता है, धोती भी नहीं है ये, धोती सही जवाब, धोती कार्ड देख लिए मेरे को पता नहीं है, मुझे नहीं पता। अच्छा जी आप कार्ड उठाइए, अब आप बताना नहीं मुझे दिखाना, छुपाए कार्ड, एक कार्ड उठा के मुझे दिखा दें दूर से, चले जी लो जी पहला क्यू आपको देते हैं भाई, बात सुनिए भाई, ये चीज तोड़ने के लिए नहीं है, तोड़ने के लिए नहीं है, नहीं बनी, नहीं बनी, ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए, नहीं, और मुस्तफा चौधरी इस पे अगर आप बनियान पेन ले अगर तो मैथ की कॉपी भी बन रही है दोपहर को, मैथ की कॉपी भी बन, हाँ है, बड़ी मजे की चीज ये, क्या है कोई ये ऐसी चीज है कि अगर इसमें से आवाज आए तो आप इस आवाज को खत्म करने के लिए ऑयल भी नहीं डाल सकते, ऐसी बदवा है इस चीज का, हाँ आवाज आए है, आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं डाल सकते, लेकिन आती है आवाज इसमें, अक्सर गांव देहातों में इस चीज से रिलेटेड बड़े बड़े बाबे खांस रहे होते हैं और इधर तो बलगमे जा रही होती हैं, वो उनसे जुड़ी हुई चीज ही है एक तरह से, हाँ। गांव देहातों में, नो क्या हो गया, ज्यादा टाइम लोगे तुम्हारा टाइम खराब, आपने क्या बोला, से क्या बोला आपने, अच्छा गिफ्ट टेम्पर भी है, गिफ्ट टेम्पर आपने बोला क्या, हुक्का सिगरेट नहीं, हुक्का नशा, नशे वाला कोई चीज, नशा करके उस चीज का इस्तेमाल हो सकता है सुकून के लिए, सुकून के लिए, हाँ यस Really और इस पे एक ही काम हो सकता है, क्या लेटा जा सकता है, क्या हो सकता है, लेटा जा सकता है, बेड मसेरी बिस्तर, नो लेटा जा सकता है, क्या है यार इनके यार गाड़ी आ रही। इसको पुराने जमाने में ना इधर फसाकर अंगूठे में से कसा भी जाता था, ओ, इसके। हो, हो, हो। हाँ कसा जाता था, नहीं कसना उसको टाइट किया जाता था, यार मेरी बारी में मुश्किल है भैया, धूप में रह के ये खराब भी बहुत हो रही है, टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, पाए उसके फिर खराब हो जाते हैं, बिल्कुल है। पता है, हाँ पता है, अच्छा पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप में कब जीता था, 92 में जीता था, और तुझे क्या चाहूं, पाए बता दिए टेढ़ी हो जाती है क्या बताऊं तुझे, लेटा जाता है इस पे देहातों में, किस चीज पे लेटा जाता है, चारपाई पे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, चार पाई है भाई जान, चार पाई, थैंक यू, हाँ ये कसा कसते है ना उसको, दाने कसते हैं कि नहीं कसते उसकी, अच्छा जी ये हर जगह पाया जाता है, ओ हो शायद हमारी इंडस्ट्री में भी, हमारी इंडस्ट्री में भी हर जगह ये पाया जाता है, बड़ा खतरनाक होता है ये गेम कर देता है, ये गेम कर देता है, गेम कर देता है, मुस्तफा क्यों दे आप पूछे जी उनसे, जुस्सा अगर इसका देखा जाए तो लंबा सा जुस्सा है इसका, जुस्सा क्या, जुस्सा जो होता है यानी कि डेल डोल, लंबा है, लंबा है बिल्कुल, आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है, लंबा ही, नहीं तो मुंह में पानी की बात कुछ और भी आ सकता है, मतलब कोई खाने की चीज हो सकती है, खाने की चीज, इसको दुनिया में कंज्यूम भी किया जाता है काफी जगहों पे, अच्छा किया जाता है, किया जाता है,
खाने की चीज, लेकिन हम लोग नहीं करते, पाकिस्तानी जानवर हम उसको जूतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जूतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जूतों की चीज बन सकती है। हाँ ये ठीक बात है, मैंने पहने हुए अभी, बिल्कुल सही। मैं घुमा रहा हूँ, आप मेरी बातों को सीरियस मत लें। अच्छा आप मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, खौफ का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। मुस्तफा की बातों को सीरियस लें, खौफ का बहुत गहरा ताल्लुक है इससे, कि मतलब अजीब सीन है इसको देख के, खौफ का, खौफ आता है। हाँ पकड़े जाओ, खौफ आता है, क्या है कोई ऑब्जेक्ट तो बताओ। नहीं, जब आप आदी होंगे, जानदार चीज है, जानदार चीज है, जानदार है, ठीक है, जानदार चीज है, जानवर है, जानवर है, कह सकते, लंबा है, लंबा है काफी, अच्छा वेरी भी करता है, बहुत लंबा भी होता है, बहुत लंबा भी होता है, बहुत लंबा भी होता है, बहुत लंबा है, गधा तो नहीं है, नहीं, क्या गधे से रिलेटेड है, गधा लंबा अगर वाला मामला कोई हो रहा है तो कुछ यार कहाँ चलेगा भाई, नहीं तो फिर क्या यार, ये फैमिली शो है मेरे भाई। आप धोबी के गधे, वो जो बोर होता है सुबह 10 बजे के करीब, धोबी का गधा, आप उसकी बात करें, वो नहीं है यार, ये जानवर है तो लंबा होता है, बातें भी तो वहां से ऐसी आ रही है ना। शाइनी, शाइनी ये है, चलता नहीं है, चलता नहीं है, शाइनी भी है बहुत ज्यादा, धूप चमकता भी है, चलता भी नहीं है, लेकिन अगर सामने आ गया, होए होए होए, आप गए फारग, दस लेगा ये, हाँ कुछ दस्ते में कुछ नहीं है, और किसी के आस्तीन पे तो नहीं निकलते ये, निकलते हैं है? है? मुस्तफा चौधरी स्नेक बहुत आला, वेल डन वेल डन वेल डन, ओए होए होए, ये तो बहुत ही खतरनाक आ गई है, ओए होए होए, ये वो चीज है कि इसके लिए मुश्किल कर रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं ये वो पकड़ लूंगा, ये वो चीज है कि इसके लिए आप अपने सारे दोस्तों को भर के निकल जाते हैं, भर के निकल जाते हैं गाड़ी में, भरे आपने अपने दोस्तों, निकल गए कि आज तो मैं इस दफा जिस ट्रिप पे जा रहा हूँ जरूर लेकर आऊंगा, लेके आऊंगा। हाँ क्या है चीज, चीज खाने की चीज है, खाने की चीज है, वही तो आप गेस करनी है ना, और आप हो सकता है उसको भी लेके जाते हो जिसको खिलानी हो ये। मुस्तफा चौधरी खाने की, जरा मीठा है, बेचो 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 मुस्तफा, आपको बेचना है, बहुत अच्छी चीज है भाईजान, मैं कहता हूँ कि इसको पसीना भी कहा जाता है, कई लोग कहते हैं, बाहर के वाले इसको बड़ा बहुत बहुत अब इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इस चीज को कि ये खानी चाहिए भाई। फ्रूट है? फ्रूट तो नहीं, नहीं है, फ्रूट नहीं है, दवाई के तौर पे कह सकते हैं आप, है ना। लास्ट टाइम कब गए थे पहाड़ों पे? पहाड़ों पे अब 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले आप जिस बंदे से मिले थे, हो सकता है अब तुम मर्दों के साथ गए थे, मैं तुम्हें क्या कहूँ फिर, शेब भाई और क्या करूँ, तो मर्द वहां से क्या लाते हैं, तो मर्द वहां से क्या लाते हैं। अच्छा उसके बारे में ये भी है कि तीली, छोटी सी तीली के साथ आपने इसको दूध के अंदर, मेरे भाई टन दूध के अंदर, हाँ वैसे पूरा पाकिस्तान जो है ना, ये टन क्या होता है पता नहीं, क्या खंभे पे कंफ्यूज भी कर रहा है ना, टन करके डाल दें आप, क्यों भाई टन करके डाल दें, ये देखिए आपस में इख्तलाफ हो गया, सही सही बता दो खाने की। अच्छा आप तो गेस कर लो, आप बताओ ना, आप पहाड़ों पे गए थे और पहाड़ों के ऊपर से क्या चीज निकलती है, एक आबशार, आप शहरों से ऊपर जाओ, सूखे पहाड़ होते हैं, सूखे पहाड़, तो बाबे बैठे होते हैं वहां पे, वो क्या बनाते हैं, बाबे कहां बैठे हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, वो तीन चार, वो तीन बाबे होते हैं, वो जा के पसीने भाईजान, उसको ये भी कह रहे हैं भाईजान ये पहाड़ों का पसीना। अच्छा पहले ये बड़ी बड़ी मिथ थी कि हैं, नहीं पहले बड़ी मिथ थी ये झूठ था कि इसको बंदर तोड़ के लाते हैं, ये बात बंदर तोड़ के लाते हैं, ये बात सच नहीं है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बाद आप बड़े बड़े बंदर तोड़ सकते हैं, ये भी है, अगर आप खा लेंगे आप तगड़े हो जाएंगे, अगर आप खा जाएंगे आप तगड़े हो जाएंगे, अगर किसी सारा जीत है भाई बता रहे, तुम मेरा ख्याल है, कैंची लाओ यार, कैंची लाओ इसके बाल काट के। ये था हमारा सब बिकता है के एपिसोड और सेगमेंट, आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक, टेक केयर। कोई 3 लफ्ज जो आप गुस्से में बोलते हैं? हाँ उत्तरी एक हो गई, कोई ये गाली, ओके दो, और एक ये है कि चुप।
वेलकम बैक टू हिमानी प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो। अब है रैपिड फायर का टाइम और सवाल जवाब मैंने आपके हिसाब से तैयार करवाए हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, जो कम टाइम लेगा, बगैर सोचे समझे बोलेगा, उसके लिए हिमानी का गिफ्ट हैम्पर हमने तैयार रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हिमानी की वाइड रेंज आपके पास मौजूद है, स्किन एंड हेल्थ केयर की। तीसरा, लेकिन ये तीसरा सवाल हम तीसरे नंबर पर क्यों पूछते हैं, पहले नंबर पर पूछेंगे हम। पहले कौन सी तीन चीजें ऐसी हैं मुस्तफा जो नरम है? गोश्त ओके होता है नरम। किसका? हलवा। बढ़ेगा बढ़ेगा हलवा और गद्दा। गद्दा ठीक। रेनबो में तीन कलर कौन से होते हैं? रेनबो में होते हैं एक जामनी, येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन और टाइम अप पिंक, बरगंडी पिंक। पिंक नहीं होता भाई, पिंक नहीं है, पिंक नहीं है, रेड होता है, मैरून होता है। प्राइड वाला ग्रे है, वो समझ रहा था कलर रेनबो का। अच्छा बड़ी वाह यार, तो यार कौन सी तीन चीजें हैं जो आप कच्ची खा सकते हैं? फल, सब्जियां और तीसरा जो है वो कच्चा पपीता खा लोगे? उसके लिए पक्का होना चाहिए। तीसरा मेरे ख्याल में जल्दी 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 गुस्सा। गुस्से को अगर आप सिंबलाइज करें कि वो कोई एक चीज है, एक अच्छी चीज नहीं है भाई, है कच्ची चीज है। तीसरी कच्ची चीज कौन सी है? तीसरी कच्ची आटा, कली है। कच्चा आटा खा जाएगा? नहीं, चावल 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 कच्चे खा जा सकते हैं बगैर पकाए। स्टार्च में तो फिर मिल में छोड़े, तुम तो सुंडी हो। कौन सी ऐसी तीन चीजें हैं जो बाइक पे हो सकती हैं? बाइक पे वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है और शारा फैसले में मैंने ऐसा ऐसा कुछ होते हुए देखा है। मसलन ओए होए होए होए, मतलब मैंने रोमांटिक मॉल भी देखे। एक तो व्हीली लग सकती है बाइक पे, एक तो व्हीली हो गई। एक दूसरा ये कि आप सिगरेट बना सकते, मेरा मतलब है निकाल के पी सकते, लगा सकते हैं पी सकते। तीसरा ये कि बराबर वाली बाइक से आप माचिस मांग सकते। तीन चीजें बाइक पे हो सकती हैं। अच्छा जी, कोई तीन आइटम जो जेब में रखते हो लड़के आजकल? एक तो मोबाइल है, ठीक है। एक चाबी है। किस चीज की? किस चीज की भी, गाड़ी मोटरसाइकिल की? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ये वाली चाबी हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज कोई टॉफी हो सकती है, बबल हो सकती है। तीन चीजें जो आजकल के लोंडे रात को सोने से पहले करते हैं? दांत तो कोई साफ नहीं कर रहा आजकल, ठीक, ये तो पक्की बात है, ये पक्की बात है। एक तो वो मोबाइल बंद करते हैं पहला काम, पंखा चला रहे हैं, दो ये हो गए, और तीसरा ये है कि अगर पंखा एसी उसके लिए चादर रख रहे हैं वो। चल जी, ये थे मुस्तफा चौधरी के जवाब जिससे हमें बिल्कुल मजा नहीं आया, बिकॉज वो गिफ्ट टेम्पर नहीं जीतना चाहते नादर अली को। आप ऐसे दे दे चाहिए कि ये तीसरे में फंस रहा था मैं, ये बंदा आप मुझे ऐसे ही दे दे ऐसे ही दे देता हूँ ये ले, आपको ऐसे ही दे दिया जाता है। लेकिन यार सवाल पूछ लेता पहले, वो कौन सी तीन चीजें हैं जो लड़के अपने घर में रखते हैं अपने लिए सिर्फ? अपना मोबाइल साथी एक, दूसरा मोटरसाइकिल या गाड़ी जो भी हो कहते हैं, तीसरा रेजर वो प्राइवेट। थैंक यू भाई। वो कौन से तीन काम हैं जो लौंडे लपाड़े बड़े शौक से करते हैं? ये तीनों एक ही काम है, पुंडी सिगरेटें पीना एक गैदरिंग के साथ, और कोई ऐसी हुल्लड़बाजी करना, और तीसरा कोई मतलब आउटिंग ऊंचा ऊंचा हंसना, ये क्यों आउटिंग करना? ये फन हमारा बस कंट्री में यही रहेगा, ऊंचा ऊंचा हंसना पंद दिन है ना, यही है। राइट, कोई तीन लफ्ज जो आप गुस्से में बोलते हैं? हाँ, ओ तेरी एक हो गई, कोई ये गाली ओके दो, और एक ये है कि चुप। ये गाली के जिम्मे में आई ना? नहीं गाली नहीं है चुप तो बड़ा कॉमन चीज है, चुप हो जाओ, चुप कोई सुन लेगा। कौन सी तीन चीजें हैं जिनमें पीला रंग होता है? अच्छा, सूरज, ऑरेंज, अंडा हाफ फ्राई तो पीला, और पपीता वो भी जो पीला होता है वो बहुत अच्छा। वेल डन, अब आए ना पेस में। अच्छा जी, शोएब अख्तर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने आउट किए हैं कुल मिला के? क्लू देता हूं, 470, 444 या 460।
70, 60 या 44? 440, 460, 460. रॉन्ग आंसर. आप जवाब दीजिए. 44. 444 इज द राइट आंसर. पाकिस्तान दूसरा T20 वर्ल्ड कप जीता था इंडिया के बाद, वो सन कौन सा था? 2009. दोनों को गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है. रीजन वाई, क्योंकि आपने स्कॉट जोन में दोनों के जवाब बिल्कुल ठीक दिए. बिफोर वी रैप अप द शो, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों ही इंतहाई दर्जे के सगीन, मेहनती और बहुत ही प्यारे इंसान है. मुंशी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि ये बड़ा फकीर और रूहानी से जुड़ा हुआ आदमी है. वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट दैट वी हैव इन आवर कंट्री ऑन इंडस्ट्री. नादर यू गिव अस अ न्यू लाइफ, यू न्यू सेंसेशन इन अ यूट्यूब चैनल, एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया. और जिस तरह तुमने अपने आपको मैनराइज किया भाई, इट वॉज कमेंडेबल. इट वॉज प्लेजर टू सी दैट कि हमारे मुल्क के बच्चे, हमारे ही बच्चे, हमारे कराची, अफगानिस्तान, वजीरिस्तान से लेकर पंजाब तक, बलोचिस्तान तक, जो भी गिलगित बल्तिस्तान तक हैं, वो हमारे बच्चे हैं. जब वो मेहनत करते हैं, जब वो ऊपर आते हैं अपने दम पर, इससे एक बात जाहिर होती है कि ये दिल गुर्दे वाले हैं. दिल गुर्दा उसी के पास होता है जो टकरा जाना जानता हो, और ये दोनों वही ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सामने बैठे हैं. ग्रेट पर्सनालिटीज, थैंक यू वेरी मच. मैं भी कहूंगा एक बात जाते जाते कि हम लोग तो वो हैं जो पाकिस्तान से रिप्रेजेंट होते हैं, इन कुछ लोग हैं जिनसे पाकिस्तान रिप्रेजेंट होता है आप उनमें. नो डाउट, थैंक यू वेरी मच. और अगली इसी के साथ हम स्कॉट जोन की सेल्फी लेंगे. सेल्फी के लिए तो मेरे पास मोबाइल तो है. स्कॉट जोन की सेल्फी गिफ्ट हैम्पर के साथ मिलती है जी. चले जी, अब आ जाते हैं एक सेल्फी पे. उठ जाए जी, बिल्कुल उठ जाए. और ये पहले अपना लीजिए गिफ्ट हैम्पर. ये देखिए हिमानी ने आपके लिए क्या क्या चीजें रखी हुई इसमें है जी. ये आपके लिए है सर मुस्तफा भाई, और ये है आपके लिए सर. और थैंक यू वेरी मच टू हमानी एंड हिमानी. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मेड इन पाकिस्तान ऑर्गेनिक है. और स्कॉट जोन की सेल्फी इसी के साथ बनती है. नादर मुझी के साथ है. यस, ये था दी शोएब अख्तर शो ऑन उर्दू फ्लिक्स. अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ. लव यू ऑल, गुड नाइट.